सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो। परम सन्मान्यो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस पृथ्वी ते अनेका धर्मी राजे होए हैं जिन्हों का नाम अज तक सत्कार नाल लिया जाता है, उन्हों का धर्म उजागर है। ऐसे राजां विच यदुवंशी राजा राजा उग्रसैन भी होया है। उसका धर्म कर्म बहुत ही प्रसिद्ध सी। वह मथुरापुरी विच राज करता सी। जमुना के दोहां किनारियां ते उसका राज सी। ऐसे धर्मी राजे दे घर संतान की घाट सी। सिर्फ इको पुत्र सी जिसका नाम कंस आख्या जाता है। उस कंस नूं पालदा सी पर कन्या कोई ना होई। उल्ट उसके छोटे भरा देवक दे घर सत कन्या ने जन्म लिया। उसके पुत्र कोई ना होया। कन्या दान करने वास्ते उसने अपने भरा दी वड्डी कन्या देवकी नूं अपनी धी बना लिया। आप ही पालिया ते जवान किया। आम तौर ते सब ने समझिया कि राजे उग्रसैन की संतान कंस ते देवकी है। समय दे चक्कर नाल देवकी ते कंस जवान होए। उन्हां दे विआह करन दा ख्याल आया। देवकी दी शादी वासदेव नाल कीती गई। उस दीआं छोटियां भैणां भी वासदेव नाल ही विआह दित्तियां क्योंकि वह नेक ते धर्मी पुरश प्रतीत होया। उसका जीवन बड़ा शुभ सी। पर कंस का विआह राजा जरा सिंह की लड़की नाल होया। वह कोई चंगा पुरश नहीं सी। उस विच कई घाटे सन। अधर्मी ते कुकर्मी सी ते लड़दा रहिंदा सी। जैसा बाप वैसी उसकी कन्या सी। वह बहुत हंकारन ते उपद्र करन वाली सी। उसने कंस नूं भी नेक ना रहण दिता। धरती राजा उग्रसैन की संतान विच विघन पै गए ते अपशगन होण लगे। ग्रंथां विच लिखिया है कि जदों देवकी का विआह वासदेव नाल होया तां डोली तुरन दे समय जदों भैण भरा मिलण लगे तां आकाश विच एक भयानक बिजली की गरज होई ते लिशक पई। सब ने तकिया ते हैरान ते भयभीत हो गए। उस समय कंस दे कन्नी आवाज़ पई, पापी कंस, तेरे पापा ने पृथ्वी नूं कंबा दिता है। धर्मी राजे उग्रसैन दे राज विच तेरे पापा की कथा है। तेरे मारन वास्ते देवकी दी कुखों अठवां बालक जन्म लवेगा ते तेनू खत्म करेगा। तेरे पिछों मुड़ तेरा बाप राज करेगा उग्रसैन। ये भाख्या नूं सरवण करके कंस ने डोली तुरन तो रोकी ते कैरो कैर हो के म्यान विचों तलवार खिंच ली। उसने देवकी नूं मार देण दा फैसला कर लिया। सारिया ने रोकिया पर हूड़ मत ते मन मतिया किसे दे आखे लगन वाला नहीं सी। वो तां आप ही मन आईया करदा सी। उस वेले वासदेव अगे होया। उसने आख्या कोई लोड़ नहीं देवकी नूं मार के पाप सिर लैण दी। जेड़ा भी बच्चा जन्म लिया करेगा वह तुसां कोल पुज जाया करेगा। तुसी आप ही मरवा दिया करना। ऐसा वचन सुन के मूर्ख ते पापी आत्मा कंस ने तलवार म्यान विच कर ली ते देवकी ते वासदेव नूं हुक्म दिता कि वह उसदे महल विच रहण, अपने घर ना जाण। ऐसा दोहां नूं करना ही पिया क्योंकि दोवें मजबूर सन। राजा कंस नाल मुकाबला करना कठिन सी। वह दोवें कैदियों वांग उत्थे रहण लगे। इस दुर्घटना का असर राजे उग्रसैन ते बहुत होया। उसने बाप होण दे दर्जे करके पुत्र कंस नूं बड़ा आख्या पर उसने एक ना सुनी। उल्टा अपने बाप नूं कैद करके उसने आख्या बंदीखाने दे हनेरे विच पए रहो। तू अपने पुत्र का दुश्मन है जा तेरा कदी भी छुटकारा नहीं होएगा। बस बैठा रह।
धर्मी राजे उग्रसैन की प्रजा ने जदों सुनिया तो हाहाकार मच गई। प्रजा रोई कुरलाई ते सोग रख्या, पर दुष्ट राजे कंस ने उल्टा उन्हां नूं तंग करना शुरू कर दिता। उधर देवकी बहुत दुखी होई, उसदे जो भी बालक जन्म लैंदा ओह ही मारिया जांदा, वासदेव भी दुखी हुंदा। इस तरह सत बच्चे मारे गए। उन्हां सत्तां बच्चों का दुख असह सी। अठवां बच्चा भगवान दे अवतार श्री कृष्ण जी प्रगट होए। पारब्रह्म भगवान की लीला वखरी सी, कौन जान सकदा सी। श्री कृष्ण जी दे जन्म वेले भगवान ने वासदेव नू दलेरी दिती। उसने बच्चा रू श्री कृष्ण जी नू चुक लिया ते जमुना किनारे जा खलोता। उस वेले जमुना ठाठा मारदी सी, उस दियां छल्लां दा रौला पिया होया सी। उस वेले वासदेव कुछ भै भीत होया, वह सोचण लगा किते जमुना विच ना रुड़ जावां। उस वेले उसनू अगम्मी भाख्या होई, हे वासदेव चल, जमुना मैया तैनू राह देवेगी, तेरे सिर ते तां भगवान है जो महाकाल का भी मालक है, चलो। ये सुन के वासदेव अगे होया, सच ही जमुना ने राह दे दिता ते ओह गोकुल विच जा पुजा। लड़का जशोदा नू दे आया ते उसदी लड़की लियाया, उस तरह मुड़िया तां जमुना ने भी राह दे दिता। ओह राजभवन विच आ गया, किसे नू भी पता ना लगा कि वासदेव बाहर गया सी। भगवान ने अपने भगत नू आप ही रख लिया। रातों रात सारे कारज हो गए। सवेर होई तां लड़की नू चुक के वासदेव अपने साले कंस कोल चला गया। उसनू आख्या, इस कन्या ने जन्म लिया है, ये अठवीं है, हुण ना मारो, कन्या तां आपदा खून नहीं कर सकती। ये सुन के कंस क्रोध नाल बोलिया, क्यों नहीं, कन्या भी तां एक दिन किसे दी मौत दा कारण बन सकती है, लियाओ। उसने वासदेव दे हथों कन्या नू चुक लिया। ओह कन्या असल विच माया दा रूप सी। जद कंस उसनू मारन लगा तां उस वेले ही ओह बिजली दा रूप धारण करके उपर चढ़ गई ते हस के कहा, हे पापी कंस, तेरी मौत जरूर होएगी, जिसने तेनू मारना है वह पाल रहा है, जवान हो के तेरी खबर लवेगा। ये आख के कन्या आकाश विच अलोप हो गई। पापी कंस ने बड़ा यतन किया कि देवकी सुत श्री कृष्ण जी का पता लगे, पर उसनू पता ना लगा, जवान हो के कंस नाल घुले ते उसनू मार के धर्मी राजे उग्रसैन नू बंदी खाने विचों कढ़ के मुड़ राज तख्त उत्ते बिठाया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 345 उपर एक बहुत ही प्यारा शब्द भगत नामदेव जी का उच्चारण किया, गुरु जी ने अंकित किया है। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्रसैन को राज दिए। यह पूरा शब्द इस प्रकार है, देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कासना तरे, तारिले गनका बिन रूप कुबिजा, ब्याद अजामल तारियले, चरण बदिक जन तेउ मुकत भये, हों बल बल जिन राम कहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्रसैन को राज दिए, जपहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन, नामे के स्वामी ते उतरे। सो इस प्रकार राजा उग्रसैन नू राज उसदी भगती कारण मिलिया। कंस दे सहुरे ने भी कई बारी मथुरा ते हमला किया, पर उग्रसैन नू हार ना दे सकिया। ओह राज करदा रहा ते उसदे पिछों श्री कृष्ण जी मथुरा दे राजे बने। सो साह संगत जी, इस प्रकार राजा उग्रसैन दी यह कथा है। राजा उग्रसैन भगतां विच गिणिया गया है। होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शणी जी, दास नूं आग्या दिओ
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।